हेलो दोस्त, कई सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है, मेरा आधार वेरीफाई होते वक्त समस्या आ गई है। समस्या ऐसा आ गया है कि उसका सोलूशन नहीं मिल पा रहा है। क्या सोलूशन नहीं मिल पा रहा है? आधार वेरीफाई करते वक्त उसके बारे में बात करेंगे। कई बार दो RRB से कोई लोग अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का डर है या एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होने का है। इससे पीछे एक हिस्ट्री बताना चाहूँगा, RRC ग्रुप डी 1/2019 का। एक कैंडिडेट दो जगह आधार का इशू नहीं था, दो जगह फॉर्म भर दिया, और सेम 2/2018 में भी हुआ था। कैंडिडेट 19 में तो कम हो गया, लेकिन 18 में बहुत कैंडिडेट था कि एक गुवाहाटी से भर दिया और दूसरा त्रिवेंद्रम से भर दिए, लेकिन जब रिजल्ट आई तब इनके ऊपर एक नोटिस भेजा गया था। उस नोटिस में बोला गया था कि आपने 2 RRB में अटैम्प्ट किया है एग्ज़ाम, लेकिन वो आधार के बेस पे नहीं कि आपने 2 RRB में अप्लाई किया है। उसमें ये बेस ये था कि आपने दो जगह पेपर अटेंड किए हैं और उनको शो का नोटिस देके और साथ में फ्यूचर में बैन करने की भी बात किया था। तो वैसा कंडीशन अभी आपके पास हुआ नहीं है, आपको अभी आप अभी सेफ कंडीशन में है। अभी क्या है, अभी 2 RRB अप्लाई कर दिए हैं तो क्या करना है थोड़ा सा इसको समझिएगा। RRB तो आपके बात सुनेगा नहीं, पहले कमेंट देख लेते हैं कैंडिडेट का, लाइव देखना थोड़ा सा सही है और तब समझेंगे। तो एक मिनट, ये चला गया होगा अभी, ये कैंडिडेट का कमेंट है कि सर मेरा आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, मैंने पहले दूसरे RRC में रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पैन कार्ड से दूसरे RRB में अप्लाई किया हूँ, मेरा अब क्या होगा, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके लिए हमने क्या किया था, कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सारा वीडियो बनाते रहता हूँ, लेकिन होता क्या है, कैंडिडेट वीडियो कितना किसका देखे अब इनको खुद ही नहीं पता होता, वो भूल जाते हैं कि हम किस चैनल का वीडियो देख रहे हैं और कहाँ देखना है और कितनी हमें एक मिनट कौन सा चीज़ें को याद रखना है। तो वो देखिए, अब चलिए, वो हो सकता है कैंडिडेट का इशू, लेकिन हम अपने इशू पे नहीं, हम उनको उलझाना चाहेंगे, हम अपनी टॉपिक पे बात करेंगे। हमने बोल दिया था कि दो आधार आपके पास एरर बता रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो प्रॉब्लम हो सकता है वो गलतीवश से डाटा बहुत देर से सेव है तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपने ही प्रॉब्लम कर रखा है। आपको मालूम है कि आपका आधार में दो जगह अप्लाई कर रखा है तो वेरीफाई आराम से नहीं होगा, वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो क्या करना चाहिए, अब ये सारा चीज़ों को बंद करते हैं। चैनल पे रेलवे लाइव पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं। दिस आधार वेरीफाई विद अदर अकाउंट एरर आ रहा है और वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये तो जेन्युइन सी कारण है, पूरा लाइव वीडियो दिखाया था, इसको देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं आपकी टॉपिक पे कि आपकी समस्या कैसे निपटारा होगा। पहला तो समस्या ये है कि पहला सॉल्यूशन ये है कि RRB आपकी ओल्ड एप्लीकेशन डिलीट कर दे, इसके लिए रिक्वेस्ट डालिए, या रिजेक्ट कर दे या ख़त्म कर दे, तो वो आधार आपका फ्री हो जाएगा, दूसरे पे आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसा RRB करेगा, हमें तो नहीं लगता कि इतना बिजी शेड्यूल में आपको करेगा। तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिए, और जब आपका DB और आपका ये आपका CBT होगा उस समय आप अपना आधार ओरिजिनल दिखा दीजिएगा और उसी पे पेपर दीजिएगा, जो आपने पहले अप्लाई कर रखा है उसको अपने आप कंडेम कर लीजिए। RRB पे भरोसा नहीं कीजिए, RRB बिजी है, आप तो फ्री है ना, अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस है। तो आप अपने क्या करिए कि जहाँ से आधार से वेरीफाई किए थे उसको आपको नहीं करना है, और जहाँ पूछा जाए एकदम फ्रेंकली बताना है कि मैंने पहले ऐसे किया था लेकिन वहाँ मेरा पोस्ट नहीं था या गलती हो गई थी मुझसे, जिसके कारण से मैंने ये अप्लाई नहीं करा और मैं फिर पैन नंबर से करा, क्योंकि दोबारा आप एक ही आधार से दो बार रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते थे। कंसेप्ट क्लियर है, अगर ऐसा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड रहेगा, रिजेक्टेड नहीं होगा, लेकिन फिर दोबारा ये ना बार बार ट्राई करें कि उसी आधार नंबर को फिर LP में गलती किया तो टेक्नीशियन में करेंगे, फिर JEE में NTPC Level 1 सब में रिपीट करते जाएं। एक बार आपका आधार रजिस्ट्रेशन जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक आपका दूसरे में भी आपको आधार से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है,
क्योंकि वो ऑलरेडी आधार कहीं और डाला हुआ है, उस एप्लीकेशन से लॉगिन करेंगे, सब इंटरलिंक है। लोगों को लगता है ना कि मैं गलत आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर लूँगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि टाइम पास के लिए बोलते हैं, या ऐसा लगता है कि कोई बताए तभी हमें मालूम होगा कि आधार ऐसा है कि मेरा आधार का 12 डिजिट या 16 डिजिट का नंबर गलत डाल दूँ और मेरा नाम भी गलत डाल दूँ तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा। कभी नहीं होगा, सब इंटरलिंक एक दूसरे से है। उसी कैंडिडेट का उसी आधार नंबर से वेरीफाई होगा जो जेन्युइन आधार के वेरिफिकेशन के समय दिया हुआ होगा। तो ये इतना आसान प्रक्रिया है, जिसको आप कठिन न बनाएं। प्रक्रिया में ये है कि आपने गलती कर दिया है, एक बार एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया है तो आधार आपका सेव हो गया है। अगर आपका टेम्प्रोरी एरर आ रहा है तो ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दीजिए, उस ब्राउज़र को रिफ्रेश करके दोबारा से लॉगिन कीजिए और फ्रेश वेरीफाई कीजिए, आपका हो जाएगा। तीसरा ये कारण है कि आपका वेरिफिकेशन करते वक्त आप जनरली लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करिए, जिससे ब्राउज़र फीचर अच्छा मिलता है, जिसके आपके वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगा। मोबाइल में कई बार बहुत बार हो भी जाता है, लेकिन कई बार जब दिक्कत करता है तो उसको आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, आपको मोबाइल से ही करना है, तो मोबाइल के ब्राउज़र में जाके पूरी हिस्ट्री एक बार क्लियर कर दीजिए, और हिस्ट्री क्लियर करने के बाद फिर से उस पेज को खोलिए जिससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके डाटा डाल के उसको भरपाई कीजिए, और वेबसाइट को हमेशा डेस्कटॉप व्यू में रखें। जैसे कि मैं बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट को आईटी का नहीं पता होता, हमें भी नहीं बहुत सारी चीज़ें पता है। तो जैसे अगर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आती है, एक मिनट मैं एक वेबसाइट का एक कोई टैब खोल लेता हूँ, टैब खोल लूँगा, न्यू टैब यहाँ से ले लूँगा, एक मिनट यहाँ से उठा लेता हूँ कोई भी, मैं अभी ले लेता हूँ अपना रेलवे लाइफ का वेबसाइट चैनल ले लेता हूँ। अभी देखिए इस पे ऐसा पेज दिख रहा है, इस पेज को हम ऐसे देख पा रहे हैं, लेकिन इसी पेज को अगर हमें इसी पेज को हमें देखना है डेस्कटॉप व्यू में, तो देखिए यहाँ पे आता है एक सिलेक्शन का ऑप्शन। एक मिनट, कहाँ जा रहा है, दूसरे पेज लेते हैं, सही से काम नहीं कर रहा है, कोई और यूट्यूब वाला पेज ले लेता हूँ मैं, जो ओपन कर रखा हूँ अपना। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद देखिए यहाँ स्टेबल है। यहाँ पे देखिए एक सेलेक्ट करने के लिए आपके पास टिक मार्क होता है, डेस्कटॉप साइट ए इक्विवेलेंट टू लैपटॉप और वर्क स्टेशन या कंप्यूटर के बराबर ला देता है, थोड़ा सा वेबसाइट को बड़ा कर देता है, जितना वेबसाइट में सारे फंक्शन होता है उसका यूज करने लगता है। अगर इसको हटा दीजिएगा तो ये मोबाइल व्यू हो जाएगा, और देखिए यूट्यूब डायरेक्ट मेरे में खुलेगा। देखिए कितना डिफरेंस है, ये यूट्यूब का एप्लीकेशन खोल रहा है छोटा व्यू में, और मैं यहाँ पे अगर इसे देखिए एक बार कर दूँ यहाँ डेस्कटॉप व्यू, यहाँ से देखिए तो ये फिर से हमारे उसी पेज पे यूट्यूब पे ले जाएगा, और समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है एप्लीकेशन और ब्राउज़र व्यू में। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये सारा चीज़ें फ्यूचर नहीं पता होता, ये सारा चीज़ें आपको यूज करके करना है। एक कैंडिडेट का और इशू आया था कि मेरा आधार नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, मुझे अनयूजुअल लगा, हो सकता है कैंडिडेट अपनी गलती स्वीकार करने के बदले दूसरे पे आरोप लगा रहा हो, कि साइबर कैफे पे मेरा साइबर कैफे वाले ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, हो सकता है अकाउंट नंबर भी डाल दिया हो, मुझे पता नहीं, दोनों बताए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आज के डेट में इतने बच्चे अनपढ़ नहीं है कि अपना मोबाइल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका आधार नंबर या जीमेल आईडी डाले, जिसके कारण से वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसा आपने गलती किया है तो बस इस गलती के लिए हमें नहीं पता कि क्या कर सकते हैं, अपनी नौकरी साइबर कैफे को देना चाहते हैं, उन्हीं से जॉब कराना चाहते हैं, या आपको जॉब में अपना इंटरेस्ट ही नहीं है कि जॉब करना है, फॉर्म भर दिया है हो जाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा, अपनी डाटा अपने पास रखेंगे और अपने से फॉर्म भरेंगे तो आपका वेरिफिकेशन करने या फ्यूचर में कोई इशू आएगी तो उसको सुधारने में आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।